Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड के नाम पर इत्तेफाक हो गया। दुआ है चेयरमैन नैब को सियासी ना बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सबसे बड़े डाकू हैं। ना अहल शख्स को पार्टी सदर बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने डीजल परमिट के लिए जमीन बेच दिया। लगता है फिर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। कारकुन तैयार रहे। बुनेर में इमरान खान का जलसे से खिताब। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड, लंदन से वतन वापस रवाना। मरियम नवाज कहती हैं ये एहतसाब नहीं इंतकाम है, अदालतों का सामना करेंगे। जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। एहतसाब अदालत ने कल शरीफ फैमिली को तलब कर रखा है। सी पैक के बाद हमसाया मुल्क और बहुत सी सुपर पावर्स पीछे पड़ गई हैं। ये कुव्वतें पाकिस्तान में खुशहाली देखना नहीं चाहती। टकराव हमारा एजेंडा नहीं। मुल्क के वसीतर मफाद में सबका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। फौजा साथ रफीक का ट्वीट। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डों से दाइश को असलहा और गोला बारूद सप्लाई हो रहा है। अमरीका और दाइश के दरमियान रवाबित मौजूद हैं। अफगानिस्तान में दाइश अमरीकी इंटेलिजेंस की मौजूदगी में वजूद में आई। साबिक अफगान सदर हामिद करजई ने भांडा फोड़ दिया। Not only in one part of the country, but in many parts of Afghanistan. And this is a daily occurrence. And this is a daily reporting that we get from our people, from our villages. अफगानिस्तान को जल में झोंक कर अमरीका को क्या मिला? दाइश को अफगानिस्तान में रसाई कैसे मिली? अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम क्या कर रहे थे? हामिद करजई के ट्रंप इंतजामिया से कड़े सवालात। अलकायदा और दीगर जिहादी तंजीमों का बानी अमरीका है। हिलरी क्लिंटन भी एतराफ कर चुकी। अमरीका को अपनी रविश बदलना होगी। साबिक वजीर दाखला सेनेटर रहमान मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दाइश की बुनियाद भी यूरोप ने रखी। ये दाइश को बनाने वाला वेस्ट था। उनने किस अंदाज से क्यों बनाई, अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। खुद हिलरी क्लिंटन ने कन्फेस किया था कि अलकायदा और जो जिहादी थे उन्होंने बनाए, पैसे उन्होंने खर्च किए। जलालाबाद से दाइश को असलहे की तरसील होती है। इस मामले पर अमेरिका से बात होनी चाहिए। सीनियर तजियाकार रहीमुल्ला यूसुफजई की आज न्यूज से गुफ्तगू। रुस्तम शाह मोहम्मद ने कहा कि अमेरिका ने इराक पर किसी ठोस वजह के बगैर हमला किया जिससे दाइश वजूद में आई। हामिद करजई के इंकशाफात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। कराची में खवातीन पर चाकू से हमले करने वाले की तलाश। पहलवान गोड, राबिया सिटी और डालमिया सोसाइटी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। चार अफराद जेरे हिरासत। गुलिस्ताने जौहर में चाकू मार को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या इकदाम किए, कहां कितनी फोर्स तैनात की गई है, बुलेटिन में आपको बताएंगे। मकबूजा कश्मीर में खवातीन की चोटी काटने के बढ़ते हुए वाकयात के खिलाफ कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। अब तक खवातीन की चुटिया काटने के 50 वाकयात रिपोर्ट हो चुके। पेशावर में डेंगू वायरस ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। सूबे में वायरस से मरने वालों की तादाद 49 हो गई। आठ अक्टूबर 2005 के हौलनाक जलजिले में जाँबहक अफराद की याद में तकरीब। आजाद कश्मीर में 8:52 पर सायरन बजाए गए। एक मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। शहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए गए। 12 बरस बाद भी न्यू बालाकोट सिटी मंसूबा और दीगर प्रोजेक्ट्स नामकम्मल। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। PIA की परवाज पेशावर पहुंच गई मगर मुसाफिरों का सामान कराची में ही छोड़ आई। शहर कायद में टमाटर आज भी आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। इतवार बाजार में भी 140 रुपए फरोख्त हो रहा है।